हेलो हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको दिखाने आया हूँ, यहाँ पे देखिए ये आवारा पशु का जमघट लगा हुआ है। देख लीजिए, ये पहले हमारा नहीं थे, ये हमारी देनी है कि ये हमारा हुआ है। हमारा कर्तव्य है ये कि इन्हें हमारा हम बनाएं, क्योंकि पहले जब किसानी बैल्स हुआ करती थी तो हम इन्हें पालते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, बढ़िया से रखते थे जैसे बेटे की तरह। अभी किसानी जो है, ट्रैक्टर आ गया, मशीनें आ गई, तो इनका काम खत्म। तो इन्हें जब तक गाय दूध देती तब तक इन्हें रखा जाता है, जब गाय का दूध खत्म तो इन्हें छोड़ के बाहर दिया जाता है। और सुनिए, वो देखिए गौ माता, वहाँ पे देखिए गौ माता। ऐसे नहीं, हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में मतलब, कि जब तक गौ माता दूध दे, उनसे कुछ फायदा मिले, तब तक वो हमारी माता है। और जब दूध खत्म तो जाइए भैया, आप किसी की माता बनी हमसे मतलब नहीं है। पहले हुआ करता था कि गाय बेचते थे, बैल बेचते थे, उनसे कुछ पैसा मिलता था। तो नियम बदले, सरकार बदली, तो अभी नहीं बेच सकते हम, हमारे धर्म के खिलाफ है। कोई बात नहीं, नहीं बेचेंगे, छोड़ देंगे साला, जाओ खाओ पियो मस्त रहो, इसकी खेती खाओ, उसकी खेती खाओ, मेरी थोड़ी निकाओ। और सुनिए, सबसे मजे की बात यह है कि जब हम हमारे गांव ले या किसी गांव ले, जब बैल गाय छोड़ते हैं ना, अपने गांव में नहीं छोड़ते हैं, उसे बकायदा रात को चोरी से लेके जाते हैं बगल वाले के गाँव में छोड़ के आते हैं। अब बगल वाले गाँव में जा खाओ, और साले बगल वाले क्या करते हैं, उस गाँव पहले इस गाँव में छोड़ते हैं। तो ऐसा ये चलता रहता है एकदम, मतलब तुम इधर करो मैं उधर करूँ, तुम इधर ऐसा छोड़िए। अब देखिए ये पीछे यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि ये रोड का मतलब काम होने वाला है, पीछे रोड नया बनने वाला है, तो मशीनें कुछ लगी। ये देखिए बैल पूरा आजादी से एकदम, यहाँ कोई नहीं रहता, कोई कर्मचारी नहीं, कोई नहीं, गांव वाले थोड़ी बहुत किसान सा रहते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा आराम से बैठते हैं। यहाँ आसियाना है, जैसा आप ये नीचे देख सकते हैं, ये फर्ज बना है, ये इसका सबूत है कि ये कई दिनों से यहाँ रहते हैं। अभी आप इसे तो ये थोड़ी संख्या, हम गिने चुने संख्या मतलब गिन सकते हैं आप, पर दो चार महीने पहले मैं यहाँ आया था जो ना, तो हजारों की संख्या में, तो भाई गिन नहीं सकते थे आप, पूरा फील्ड भरा था उन्हीं से, पूरा सम से। पर धीरे 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 लुप्त होते जा रहे हैं। उसमें बचिया, अब जो ये बाछी गिन रहे हैं आप वो वाली, अगर आज से सरकार बदलने से पहले के नियम बताऊँ तो ये बाछी आपको अगर खरीदे जाओ ना तो 5 से 10 हज़ार की मिलती है। आज इसकी कौड़ियों के भाव नहीं, कौड़ियों के भाव नहीं भाई। ये देखिए बैल, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा है, खा पी के हिस्ट पुष्ट है एकदम बढ़िया से। अगर हम घर पे खिलाएंगे ना तो साला इतना हष्ट पुष्ट नहीं होगा, बैल जोतने जाएंगे तो बैठ जाएगा, कहेगा मैं नहीं जोतेगा, मैं नहीं जोतेगा। अभी आराम से जीता है, कुछ देर रहेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ख़त्म हो गए हैं, ना जाने कहाँ चले जाते हैं, किसकी भीड़ चढ़ जाते हैं कुछ पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता, लुप्त होते जाते हैं। पर क्या करें, इंसान भी किसानी मजबूर है, क्या करेगा, रखे घर एक एक के बाद एक गाय बच्चा देगी, उसका दूध निकालेगी, फिर कहाँ रखें, क्या खिलाएंगे, मजबूर है इसलिए छोड़ देते हैं। और लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, गाय तो नहीं उतना गायब होती हैं, लुप्त होती हैं, पर ये बेचारे लुप्त हो जाएंगे। अभी ठंडा रही है ना, कुहरा पड़ेगा, कुछ दिखेगा नहीं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, कोई नहीं पता, आदमी सोए रहेगा, ये गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए एक बैल है, ये छोटा वाला, उसे अभी कोई जल्दी ये निकाला हुआ है, क्योंकि उसकी रस्सी उससे गले में लगी है। अगर इस रस्सी को हमने नहीं निकाला गया ना, तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो वो रस्सी उसके गले में टाइट होती जाएगी, तो ये जब रात में पकड़ा जाएगा आराम से, तो इसकी रस्सी निकल जाएगी, कोई बात नहीं है। मासूमियत देखिए, मासूमियत देखिए, मतलब मुझे जानता नहीं, मैं इसे जानता नहीं, पर देखिए ये भी प्यार की भूखे होते हैं, इंसानियत की चाहिए, मतलब कि चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, दुलार करे, हमारा कोई देखभाल करे, पर नहीं, इंसान तो मतलबी है भाई, मतलबी है, अपने माँ बाप भाई बहन को नहीं पहचानते, इसे क्या पहचानते, ये कौन है। ये किसान भी मजबूर है, घर रहेगा तो खाएगा क्या, जब तक दूध देगा तब तक ठीक है, छोटा है खिला देंगे, पर उससे बड़ा होगा तो खाएगा क्या, और बाहर छोड़ेंगे तो खेती नष्ट करेगा, बेच सकते नहीं, क्योंकि सरकार का नियम है, गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए इसे छोड़ देता है इसके हाल पे। चलो भाई ध्यान रखना, बाय बाय। तो बस भाई इस वीडियो में यही तक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।